ग्लोबल इकॉनमी एंड यू एस क्लास स्ट्रक्चर दिस सेक्शन बेसिकली डिफाइंस द मेजर चेंजेस इन वेज ऑफ इकॉनमी जनरेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट क्लास लेवल्स अल्टीमेटली इफेक्टिंग देअर सोशल मोबिलिटी सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्योंकि बुनियादी तौर पर यह समझा जाता है कि शायद एक फर्द की ये एफर्ट है इंडिविजुअल एफर्ट है To change the status from one to another, लेकिन बाजा अवतु माशरे के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ भी ऐसी होती हैं कि ओवरऑल बहुत सारे अफराद पर बहुत सारे इंडिविजल्स पर उसका इफेक्ट होता है मसलन मतलब अगर कोई माशरा जो है वो सनती तरक्की करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है तो जाहिर है उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बेहतरी और इम्प्रूमेंट आती है So uh, the shift in U.S. class structure is due to the global economic changes. There is now a less industry in U.S. and has become a vast market for industrial goods such as cars, cameras and computers made in China, Japan, and Korea. U.S. had a time when mobilized to work for the improvement. लेकिन फिर यूएस के अंदर ये चेंज आ गई और दुनिया के अंदर ये चेंज आ गई दैट वाई नॉट वी कैन डू सो मैनी स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन लोकल इंडस्ट्रीज और उस लोकल इंडस्ट्री से ये चेंज आई कि जो यू एस के जो सिटीजन्स थे अब उनके पास क्या इतनी परचेजिंग पावर है कि वो उन सारी लग्जरीज़ को जो वो यूज़ टू हैं जिसको अपनी जिंदगियों के साथ लिंक करने के लिए क्या वो परचेजिंग पावर उनके पास मौजूद है कि वो आप दूसरे मुल्कों की प्रोडक्ट्स को बाय करें मसलन इंसान जिस भी सहूलत का अपनी ज़िंदगी में आती होता है वो सहूलत से हटकर उसकी ज़िंदगी उसे मुश्किल लगती है वो उसके लिए इम्प्रूवमेंट तो चाहता है कि अगर आज एक मोबाइल है कल उससे अच्छा मोबाइल हो अगर आज एक गाड़ी है छोटी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए अगर मैनुअल है तो उसे चाहिए कि अब उसको जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाए तो ये सब चीज़ें हर इंसान की ख्वाहिश होती हैं अच्छे कपड़े पहनना ज़िंदगी की अच्छी सहूलतें लेना और फिर आज की दुनिया जो बहुत हद तक ब्रांड कॉन्शियस है चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं चाहे डेवलपिंग वर्ल्ड है हम से हर किसी के जहन के अंदर ये सब कॉन्सेप्ट हर वक्त चलते रहते हैं कि हम इन चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगियों को इस तरीके से लिंक कर बैठे हैं कि इनके साथ इनकी पहचान के साथ ही हमें लगता है कि शायद हमारा स्टेटस भी लिंक्ड हो गया तो अमेरिकन सोसाइटी के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जो क्लास सिस्टम्स हैं जो क्लास स्ट्रक्चर है अब जब उसका लिंक बना है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कि दुनिया के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रही है तो अमेरिका के अंदर जो है वो हाई जो पे लेवल्स है वो कैसे उसके साथ लिंक कर पा रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं उनकी इंडस्ट्री को अभी भी बूस्ट कर रही हैं वो अपने वर्कर्स को बहुत ज़्यादा हाई पे देते हैं अब वो लोग एफोर्ड कर सकते हैं वो सारी लग्जरीज़ चाहे वो अमेरिका के अंदर बनती हैं या बाहर से आती हैं लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका के अंदर बहुत सारे वो लोग जो इन क्लासेस से ताल्लुक़ रखते हैं जो मिडल हैं या लोअर मिडल हैं या फिर लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी जिंदगियों में ये सारी सहूलतें जो दुनिया के अंदर इकानमी में चेंजेस हो रही हैं जो दुनिया के अंदर एडवासमेंट्स हो रही हैं वो उनके साथ एडजस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं जैसे अमेरिका तो हमारे लिए केस स्टडी है लेकिन उसका जो इम्पेक्ट या इन्फ्लुएंस खुद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों के अंदर देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ तरक्की पजीर मुल्कों में भी अपनी बहुत सारी चेंज को इंट्रोड्यूस करा दिया जैसे उनके यहाँ मैकडोनल्ड्स जो है वो एक ऐसी चेन थी जहाँ पर लोअर इनकम वाले लोग जो हैं वो बसानी जाकर अपने लिए कुछ ई टेबल्स जो हैं वो ले सकते थे अब उसी ट्रेंड को जब उन्होंने हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया तो हमारे यहाँ भी आम तौर पर हर क्लास ने ये समझा कि एक अमेरिकन प्रोडक्ट है तो ये हमारे लिए जो है हमारी रेंज में है यानी अमेरिकन इकॉनमी अगर वो ख़ुद ग्लोबल इकॉनमी के अंडर इन्फ्लुएंस हैं तो वो अपने इंडिकेटर्स को डेवलपिंग वर्ल्ड में भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं यानी अपने यहाँ का पिज्ज़ा अपने यहाँ की फूड चेंज को हमारे यहाँ लाकर, वो एक्चुअली डेवलपिंग वर्ल्ड को लिंक करना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों का स्टेटस यहाँ के लोगों का माइंड सेट यहाँ के लोगों की जो थिंकिंग है दैट मस्ट बी लिंक विद देयर ओन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड प्लस विद दे वॉन्ट टू लिंक विद ऑल Our societies, the developing world societies, with the global trends of economy.